स्पाइसी से तवा पुलाव बनाने के लिए एक पहले हम स्पेशल सा मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए मैंने 2-3 ये होल रेड चिलीज मैंने भिगो कर रखी हैं। आपको अगर स्पाइसी ज्यादा नहीं खाना तो आप इसके सीड्स निकाल दीजिए। इसको हम डालेंगे मिक्सी जार में। ये गर्म पानी में फ्रेंड्स मैंने डिप की है, थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। लहसुन की कलियां हैं 8 से 10, इतना छोटा सा ये प्याज का पीस ऐड कर दिया मैंने। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना नमक, थोड़े स्पाइसेस और डालेंगे। ये आधा छोटा चम्मच मैंने धनिया का डाला, धनिया पाउडर है ये, और ऐसे ही आधा 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी, आधा छोटा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की। अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हम मसाला बना लेंगे फाइन पेस्ट बनाकर। स्टार्ट करेंगे अब रेसिपी। तवा पुलाव है तो मैंने एक बड़ा सा तवा लिया है, आप चाहे तो इसको पैन में भी बना सकते हैं। ये देखिए, एक बड़े चम्मच जितना मैंने बटर ऐड किया और 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड किए, आधा छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे हम जीरा। अब ये मैंने कुछ सब्जियां कट करके रखी हुई हैं। सबसे पहले हम डालेंगे प्याज, प्याज को हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसको हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना। लाइट ब्राउन हो गए, ये कुछ सब्जियां रखी हैं मैंने, पत्ता गोभी डालूंगी पहले मैं, और ये थोड़ी सी मैंने फूल गोभी रखी है वो भी ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी मैंने ये सोया चंक रखे हैं बॉईल करके, और ये मटर है इनको भी बॉईल करके रखा है हल्का सा, इनको भी सॉटे कर लेंगे। सब्जियों को थोड़ा हम क्रंची ही रखेंगे इसमें। 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर कुक किया, अब ये मसाला ऐड कर देंगे। 1 पिंच जितनी हल्दी ऐड करी मैंने, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये एक छोटे साइज का टमाटो है, ये कट करके रखा है, और बाकी की जो भी सब्जियां आपने डालनी है इस टाइम पर डाल देंगे। 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर इनको भी कुक कर लेंगे। बॉइल्ड राइस है मेरे पास, वो डाल लेंगे अब हम। नमक ऐड कर देंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची, हल्का सा इसमें 1-2 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे, और बस इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर। फ्लेम को कर देंगे ऑफ, इस पर डाल देंगे हम हरा धनिया, और अभी हम बनाएंगे साथ में यमी सा रायता। रायता बनाने के लिए ये देखिए, मैंने दही को बिल्कुल स्मूथ कर लिया। ये एक छोटा अनियन है चॉप किया हुआ, ये मैंने डाल दिया, और ये टमेटो है चॉप किया हुआ एक बिल्कुल छोटा सा, वो भी डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से स्पाइसेस, धनिया पाउडर, ये है जीरा पाउडर, काला नमक 1/4 टीस्पून, और हल्का सा 1/4 टीस्पून जितना ही इसमें डालेंगे। यमी से तवा पुलाव स्पाइसी मजेदार, साथ में मैंने रायता बनाया, बहुत ही बढ़िया सा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएंगी ये रेसिपी। और फ्रेंड्स कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये स्पाइसी से पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए, और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी इजी सी मजेदार सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।